सब्सक्राइब करें टेक टू ग्लाइड चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 3 Pro के बारे में। जैसा कि आपको पता है Realme एक से एक अच्छे डिवाइस लॉन्च करता है, तो दोस्तों अभी जो हाइप लगी हुई है वो है Realme 3 Pro की। तो दोस्तों क्या है इसकी लॉन्च डेट, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या होगी इसकी प्राइस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और एक लाल कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको इस तरह की वीडियो आगे और भी मिल पाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं टेक टू ग्लाइड चैनल को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे Realme 3 Pro के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, Realme के जो फोन्स आते हैं वो आपको पता ही होगा, काफी अच्छे फोन्स आते हैं, और कम बजट के अंदर में सबसे अच्छा फोन अगर कोई कंपनी आपको इस समय प्रोवाइड करा रही है तो उसका नाम Realme है। और Realme के अंदर आपको रियल प्राइस के अंदर रियल फोन मिल जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा Realme 3 Pro के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से Realme 2 Pro जिस टाइम पे आया था उसकी एक हाइप क्रिएट हुई थी कि Realme 2 Pro में ये होगा वो होगा, दसों दिन पहले से बात कर चलने लग गई थी। तो दोस्तों इसी तरीके से Realme 3 Pro का इस समय हाइप क्रिएट हो चुका है। दोस्तों इसकी लॉन्च डेट अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो एक वीडियो आई थी टेक्निकल गुरु जी की, उसके अंदर में उन्होंने कई सारी चीजों को रिवील किया है। इसी में उन्होंने लॉन्च डेट को भी बताया था, ये 22 अप्रैल को आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों Realme 3 Pro के बारे में हम बात करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। तो दोस्तों मैं आपको स्पेसिफिकेशन का बता दूं, जो आपको इसके अंदर डिजाइन मिलने वाला है वो आपको पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ही मिलेगा। इसके अंदर में आपको डुअल टोन, हो सकता है आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाएगी देखने के लिए, जो कि काफी अट्रैक्टिव होगी और काफी लुकिंग वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने में आपको लगेगा। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आपको आपकी इसकी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले दोस्तों इसमें आपको Realme 2 Pro जैसा ही देखने को मिलेगा। ऊपर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी, और पूरी डिस्प्ले का जो साइज होगा वो 6.4 इंचेस का होगा। अब दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके अंदर कैमरे की क्वालिटी होगी। तो दोस्तों कैमरा आपको जो फ्रंट में मिलेगा वो हो सकता है आपको Realme U1 वाला कैमरा मिलेगा 25 मेगापिक्सल वाला, और जो बैक में दोस्तों जो कैमरा होगा वो होगा आपका 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर। तो दोस्तों जो 16 मेगापिक्सल वाला सेंसर होगा वो 1+60 का सेंसर होगा, तो आप समझ सकते हैं कैमरे की क्वालिटी क्या होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ सैंपल भी शो करने वाला हूं, जो कि माधव सेठ, जो आपको पता होगा Realme के CEO हैं, उन्होंने इस फोन के द्वारा कुछ फोटो खींचे गए हैं, सेल्फी शॉर्ट्स हैं, उनको डाला है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। वहीं से मैंने इन शॉर्ट्स को उठाया है और इन शॉर्ट्स को बताऊंगा मैं आपको, और ये सभी शॉर्ट्स देख लेना आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर आए हैं सारे शॉर्ट्स। ऐसे लग रहा है कि वाकई में कैमरा आपको बहुत गजब देखने को मिलने वाला है Realme 3 Pro का। अब दोस्तों ये तो हुई कैमरे की बात, अब दोस्तों हम करेंगे इसकी बैटरी की बात। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप फोन ले रहे हैं और उसके अंदर बैटरी अच्छी ना मिले तो कोई फायदा नहीं। तो इसके अंदर बैटरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, आपको बैटरी इसमें 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छा बैकअप देगी और काफी अच्छी चलेगी। और बैटरी तो आपको अच्छी मिलेगी, साथ में एक खुशी की बात और है, इसमें आपको बूट 3.0 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाया करेगी। लेकिन दोस्तों इसका जो कॉम्पिटिटर था वो आपको पता था Redmi Note 7 Pro था। तो Redmi Note 7 Pro के अंदर में आपको सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको सी टाइप पोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों ये थे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। अगर एक और हाइप क्रिएट हो रही थी दोस्तों कि इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, तो ये तो नहीं होने वाला दोस्तों, आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी वर्किंग काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और वहीं आप बात करते हैं प्रोसेसर कौन सा होगा इसके अंदर, तो दोस्तों प्रोसेसर इसके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 7110 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जिसे स्नैपड्रैगन ने अभी अभी रिसेंटली डिजाइन किया है। और इसका जो सबसे हाई एंड वेरियंट है वो ही आपको दिया जा रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने वाली, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी इस फोन के अंदर। तो दोस्तों ये सारे थे फीचर्स Realme 3 Pro के, और दोस्तों जो भी रिसेंटली आगे अपडेट आएंगे वो सब मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा। और दोस्तों वही मैं आपसे बात करता हूँ कि स्टोरेज वेरिएंट कौन से होंगे, तो इसके बारे में आपको फिलहाल बता दे रहा हूँ, आपको 3/32 वाला भी मिलेगा, 4/64 वाला भी मिलेगा, इसके ऊपर जो वेरियंट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर बात करते हैं आप प्राइस की, तो स्टार्टिंग प्राइस इसकी 12,000 के आसपास की होगी, जो कि किलर प्राइस होगी। उसके अंदर में ये फोन आपको बहुत अच्छे बजट में आएगा, और आप इस फोन को ले सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से।
तो दोस्तों ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन आपको देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इस फोन का वेट करेंगे तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप इस फोन को खरीदना चाहोगे इस प्राइस के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, तभी आप इस तरह की वीडियो आगे और भी देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। चलता हूँ।